वेलकम टू आदर्श सिटी ऑनलाइन क्लासेस विच इज प्रेफर बाय देयर ऑनर मिस्टर राजवीर सिंह जी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशंस. बिफोर गोइंग टू द टॉपिक सम ऑफ नोइंग, लास्ट में हमने डिस्कस जो किया था वो नॉर्मेलिटी मोलरिटी और साथ में सम ऑफ टॉपिक विच इज कंसिस्ट विद द एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर एक्सप्रेसिंग सॉल्युबिलिटी इन द रेफरेंस ऑफ टेम्परेचर. अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड है. यहाँ कंसेंट्रेशन का भी टर्म आएगा, उसको भी हम डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे. तो लेट्स हियर स्टार्ट विद द ईस्ट. सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन अ ग्राम्स विच इज कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. यहाँ क्या होगी, सॉल्यूट की मात्रा अधिकतम क्या करेंगे हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट के साथ में मिलाएंगे और उसके साथ में जो हमारे सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड फॉर्म में होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट इन द रेफरेंस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा प्लस सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है. नाउ अगला क्वेश्चन है, नेम सम रेडली सॉल्युबल सॉलिड सॉल्यूट इन वॉटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इट मीन्स कि आपको ऐसे दो नाम बताने हैं सॉल्वेंट के, सॉरी सॉल्यूट के, वो क्या वॉटर में तो घुल जाए एक तरीके से डिजोल्व हो जाए बट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या नहीं होते, वॉटर में डिजोल्व नहीं हो रहे. यहां पे हो बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते जबकि वॉटर में डिजोल्व हो जाते हैं. तो हम पहला जो इसका आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, वॉटर के साथ में अगर हम इसको एड करें, वॉटर के साथ में अगर एड करेंगे तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगी, इसके साथ में निकलेगी. एक तरीके से दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब यहाँ पे अगर सोडियम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो हमें मालूम है कि क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिवली चार्जेड होता है. तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से सोडियम क्या करता है, तुरंत ही सोडियम क्लोरीन के साथ में जो सॉल्ट फॉर्मेट में है, सॉल्ट तुरंत ही वाटर में क्या होता है, प्योरली डिजोल्व हो जाता है और कंपोनेंट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. सेकंड सुगर है, सुगर भी वाटर के साथ में इजिली डिजोल्व हो जाता है बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है. क्यों, रीजन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो वो क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं, डिजोल्व होते हैं जो यहां कंडीशन है ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ देयर कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स. नेम द सम सॉलिड सॉल्यूट विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब ऐसे सॉल्युबल सॉलिड के नाम हमें बताने हैं जो यहाँ पे क्या हो, ऑर्गेनिक सॉल्युबल सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए लेकिन वॉटर में ना हो. तो वो है नेफ्थलीन और एंथ्रासीन. एक्सेप्शन क्या है कि इसके जो डिजोल्व हो जाते हैं, एक्सेप्शन है कि इनके अंदर क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है और जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो उसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपस में कंबाइंड रहते हैं. इस वजह से क्या होते हैं, ग्लूकोज है आपका, सुगर है, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजोल्व हो जाते हैं इजिली, अब वॉटर में नहीं होते हैं. अब आते हैं डिजोल्यूशन में. तो द प्रोसेस इन विच सॉल्यूट एडेड इन टू सॉल्वेंट इंक्रीज इट्स कंसेंट्रेशन द सोल्यूशन इज कॉल्ड डिजोल्यूशन. दैट मीन कि सॉल्यूट की वह मात्रा जो क्या होगी, सॉल्वेंट के साथ में मिलाई जाएगी फॉर देयर इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिजोल्यूशन. उसके कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगी तो हम उसे ही क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, क्रिस्टलाइजेशन. तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो आप क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, कोई सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट के साथ में मिक्स हो रहा होगा, मिक्स होने के बाद हम उसको क्या करें, सेपरेट आउट कर लें. दैट मीन कि अब उसे अनदर प्रोसेस में ले जा करके अगर उसके क्रिस्टल हम बाहर निकाल लेते हैं
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, द प्रोसेस इन विच सम सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट दैट पार्टिकल्स आर कोलाइड विद द सॉल्वेंट। दैट मीन कि शुगर है वॉटर के साथ में क्या हो रही, बिल्कुल कोलाइड हो जा रही, कोलाइड होकर के सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट। हम उसको हीट करके वापस से क्या करें, उसके क्रिस्टल को, उसके पार्टिकल को बाहर निकाल लें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन बोथ आर इक्वल क्वांटिटी होती है। कि रेट ऑफ, अगर बताने के लिए जाएंगे तो यहां पर क्या होता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल रेट ऑफ डिसोल्यूशन, बोथ दीज आर इक्वल। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होते हैं, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन बोथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बोथ दीज आर इक्वल क्वांटिटी व्हेन इट्स प्रेजेंट इन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। बोथ साइड क्या होगी, इक्वल होगी, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। नर्मनेस डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करते हैं, ये छूट गया था आपका रिमेनिंग टॉपिक। ए सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ बिटवीन ए इमिसिबल सॉल्वेंट इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन। दैट मीन कहने का मीन्स है कि इमिसिबल सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है, दैट मीन कि जो नहीं, दोनों के क्या होंगे, फेजेस अगर प्रेजेंट हुए, दैट मीन कि दो फेजेस अगर सॉल्वेंट के प्रेजेंट हुए तो उसमें जो कंसेंट्रेशन होगा वो रेशियो में मिलेगा। और ए वे दैट रेशियो ऑफ द कंसेंट्रेशन इज सी वन अपॉन सी टू, रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू के होगा। अब हम के को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पार्शियल कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट। या तो बोल दीजिए कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट या पार्शियल कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट और कोफिशियंट ऑफ द नर्मेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्मेस्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था, वितरण का नियम दिया था, जब सॉल्वेंट क्या होंगे, इमिसिबल होंगे, तो सॉल्वेंट का जो कंसेंट्रेशन होगा वो रेशियो में प्रेजेंट होगा, और जो के होगा यही कोफिशियंट होगा कंसेंट्रेशन का। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड स्टार्टेड, लेट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसेस इन पर्टिकुलर लिक्विड इन द वॉल्यूम ऑफ गैस एज एट प्रेजेंट इन एसटीपी शेड्यूल टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की इक्विवेलेंसी रख रहे हैं। दैट कैन बी डिजोल्व इन यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन कहने का मीन्स है कि एट एसटीपी पे अगर हम गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन लेके जा रहे हैं तो हम उसे सैचुरेटेड तभी बना पाएंगे जब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लिक्विड के कंडीशन में उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। दैट मीन की वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। दैट मीन कि इन द रिगार्डिंग अगर इक्वेशन बनाए कि गैस प्लस सॉल्वेंट, गैस और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में क्या हो गया, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, हेंस वी से दैट कि यहां पे हमें क्या होगी, सम ऑफ द गैसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट वी कैन ऑब्जर्व या हमें गेट होंगी। दैट मीन कि वी गेट सम ऑफ हीट इन दिस प्रोसेस। तो गैस और सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो हमें यहां पे सम ऑफ हीट क्या होगी, मिलेगी। हेंस वी से दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स किस पे करती है। यहां पे जब हम क्या कर रहे हैं, किसी गैस को लिक्विड के सॉल्यूशन में बना रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी, अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो हम उसे क्या करते हैं, वाटर के साथ में मिक्स करते हैं, लेकिन लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी एडेड विद देयर। दैट मीन
कि नेचर ऑफ द इसका भी एक रीजन है कि वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, गैस डिपेंड करती है सॉल्वेंट के नेचर पे कि किसके साथ वो मिल रही है। तो गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटसेट्रा डिजोल्व इन वॉटर ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, दैट मीन की थोड़ी मात्रा में मिलती है, वाइल अदर देन जैसे अमोनिया है आपका मैक्सिमम डिजोल्व हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा फटाक से, वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एड होगी तो कैल्सियम कार्बोनेट बना लेगी। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐड करेंगे किसके इन द रिगार्डिंग विथ लाइव वाटर के साथ में, तो क्या होगी एक्सेस अमाउंट में मिलेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे ही है जब भी अगर होगी तो क्या होगा एक तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेंगे इस टाइप के हमें जो प्रोसेस मिलता रहेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेंगे दैट मीन कि वो फिर क्या होंगे कलरलेस होंगे।